कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ भरज ओ ध्वजा बिराजे, काधे मूज जनेऊ साजे। जय बजरंग बली की। दोस्तों, हनुमान जी की शक्ति से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। हनुमान जी की शक्तियों को साक्षात सभी भगवानों ने भी माना है, और भगवान शिव के ही वे 11वें रुद्र अवतार हैं, जिसका साफ साफ वर्णन हमारे शास्त्रों में है। दोस्तों, हनुमान जी आज भी धरती पर सशरीर विचरण कर रहे हैं, क्योंकि माता सीता ने उन्हें खुद यह वरदान दिया था कि वे कलयुग में भी अजर अमर रहेंगे और समय आने पर अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते रहेंगे। हनुमान जी की भक्ति से बहुत जल्दी फल मिल जाता है, उनकी कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि आप देखेंगे हनुमान जी के मंदिर में अन्य देवी देवताओं के मंदिरों की अपेक्षा अत्यधिक भीड़ आपको दिखाई देगी। हनुमान जी के कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें मात्र कोई भी जातक सरल भाव से कर ले तो उसकी सभी मनोकामनाएं हनुमान जी महाराज पूरी कर देते हैं। अधिकांश लोगों को यह भ्रम रहता है कि हनुमान जी पाल ब्रह्मचारी हैं तो स्त्रियां उनकी पूजा कैसे कर सकती हैं, या कुंवारी कन्याएं उनकी पूजा करें या ना करें, या फिर कोई भी उपाय क्या कन्याएं कर सकती हैं। यह सभी अवधारणाएं हमारे धर्म में जिस तरीके से बताई गई हैं, यह उसके बिल्कुल विपरीत है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हनुमान जी केवल पुरुषों के लिए ही मान्य नहीं है, ये देवता स्त्री वर्ग के लिए भी पूजनीय है। दोस्तों, हमेशा स्त्री वर्ग की तरफ ये कहा जाता है कि हनुमान जी उनकी तरफ नहीं देखते। दोस्तों, उसका कारण यही है कि हनुमान जी ने हमेशा स्त्री वर्ग को अपनी माता समान माना है, इसलिए कोई भी स्त्री अगर उनके चरण को छूती है तो हनुमान जी उन्हें मात्र स्वरूप में देखकर अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि स्त्रियों को कभी भी हनुमान जी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, या फिर उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। चाहे आपका भाव कुछ भी हो, लेकिन हनुमान जी इससे रुष्ट हो जाते हैं। आप हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य कर सकती है और हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। महिला अन्य कोई क्रिया भी कर सकती है, परंतु चरणों को हनुमान जी के महिलाएं खास तौर पर मत छुए। हमारे शास्त्रों में हनुमान जी को स्त्रियों द्वारा स्पर्श करना निषेध बताया गया है, इसलिए इस बात का हर किसी को ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चाहे वह कुंवारी कन्या हो या शादीशुदा स्त्री। दोस्तों, आज हम आपको इससे ही संबंधित एक ऐसा उपाय बताएंगे, यानी इस उपाय को स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, यह उपाय कुछ इस प्रकार से है कि मात्र आपको एक सफेद कागज पर दो शब्द इस प्रकार से लिखने हैं कि उसे लिखकर आप केवल हनुमान मंदिर में हनुमान जी के समक्ष छोड़ाएं। यकीन मानिए दोस्तों, यह सुनने में तो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब यह उपाय आप करेंगे तो इसके द्वारा जो फल आपको प्राप्त होगा उससे आप चकित हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों में हनुमान जी को लेकर इतने उपाय बताए गए हैं कि इनमें से कोई भी एक उपाय आप श्रद्धा भाव भक्ति से करते हैं तो उसका संपूर्ण फल हनुमान जी आपको अवश्य ही प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, वह दो खास शब्द इस प्रकार हैं, ओम मारुतात्मजाय नमः। इस प्रकार से यह मंत्र लिखकर आप किसी भी हनुमान मंदिर किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष इस कागज को छोड़ाएं और लाल सिंदूर उस पर जरूर लगाएं, जो कि हनुमान जी का प्रतीक है। हनुमान जी के चरणों से भी आप वह लाल सिंदूर लगा सकते हैं। इसके बाद जो भी मनोकामना दोस्तों आपके मन में है, वह सभी हनुमान जी महाराज को आप बुलाएं। तो दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई होगी, प्लीज़ इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।